गजाननम भूत गणाधिसेविदम कवित जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेशर पाद पंकजम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे मित्रों, नारद टीवी के दर्शकों, आपको मेरा बार बार नमन हो। मेरे मित्रों, आज फिर मैं आपके बीच में आने का एक बार पुनः प्रयास कर रहा हूं। कलाकार और किस्से, इस प्रोग्राम में पर्दे के पीछे क्या हुआ है, यानी एक्टिंग करने से पहले कैसे क्या हुआ था, वो किस्से हम आपको साझा कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं आप लोग इसे देखेंगे, पसंद करेंगे और लाइक करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता रहा हूं। मेरा रामायण का पहला दिन पहला शूटिंग के लिए बुलाया गया। जब मैं उमरगांव स्टूडियो पहुंचा तो मुझे सागर साहब ने बुला करके स्क्रिप्ट दिया, जो 14-15 लाइन का डायलॉग था। बोले ये अनाउंसमेंट इसे आपको करना है, इसको याद कर लीजिए और ड्रेस पहनिए, मेकअप करके हमको दिखा दीजिए। मेकअप हुआ, गोपाल सामंत जी बुजुर्ग आदमी थे, उनको मैंने प्रणाम किया, मुझे आशीर्वाद दिया। और मेकअप करने के बाद फिर जो है मैं ड्रेस पहन करके सागर साहब के पास गया। सागर साहब देखे और डांटने लगे, बोला इसने तुमको कौन सा ड्रेस पहना दिया, ये ड्रेस नहीं चलेगा, जाओ ये ड्रेस चेंज करके आओ। मैं तो डर गया और भागा फिर ड्रेसमैन के पास। बोला अरे भाई आपने ड्रेस पहना दिया, पापा जी गुस्सा कर रहे हैं। बोले भाई हमको नहीं बताया गया है, लोग दूसरा पहना रहा हूँ। फिर वो एक रीच ड्रेस पहना दिया राजकुमार जैसा, फिर गया फिर डांटे। बोले ड्रेस वाले बुलाओ। बोले भाई तुमको बार बार बोल रहा प्रमोद नहीं, इनको ये ड्रेस नहीं, इनको ये दरबारी जो अनाउंसमेंट करेगा राम का राज्याभिषेक होना है। तो तीसरी बार जब मैं ड्रेस पहन के गया तो हंसने लगे। बोले मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी देख रहा था कि तुम वाकई कॉन्फिडेंस में हो कि नहीं हो। तब मेरे मित्रों मैं वो लाइन बोला, आप लोग भी देखे होंगे, लाइन याद होगी, सुनो सुनो सुनो, आज श्री रामचंद्र जी अपने माथे पर सूर्यवंश का मुकुट रख करके दरबार में आएंगे, आज उनका राज्याभिषेक होना सुनिश्चित हुआ है, सुनो सुनो सुनो। ये 14-15 लाइन का डायलॉग था, आज तो अभी याद नहीं, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई थी। गुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से और समस्त प्रजाजनों की सम्मति से श्री दशरथ जी कल अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। कल सूर्योदय होते ही राज युवक श्री रामचंद्र जी को कुल गुरु वशिष्ठ जी सूर्य वंश का राज्य मुकुट पहनाकर उनका राज्य तिलक करेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से हम आपको एक एक चुन चुन करके कलाकार के बारे में, अपने बारे में, सबके बारे में कलाकार और किस्से सुनाते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।